देश की कोई उम्मीद न थी। बड़े दुख और तकलीफें उठाने के बाद ये फूल खिले हैं छोटे बाबू। लेकिन घोषाल काका, अब मुझे छोटे बाबू ना कहा कीजिए। पिताजी तो आपको सिर्फ नाय भी तो नहीं समझते थे। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। और तुम तो जानती हो बेटी कमला, तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी पीतम्बर चक्रवर्ती, तुम्हारी फूफी इस बात की गवाह है कि वो मरते समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे गए थे। तब से जानती हो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मरते दम तक उनके विश्वास की मर्यादा की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। बेटी बिंदु, तुमको और तुम्हारे पति विनोद को आज मैंने यहाँ जानबूझकर रोका है, क्योंकि इस बड़े घर में जो एक बहुत बड़ी फांस पड़ गई थी, तुम उस फांस में बुरी तरह फंस गए थे। हाँ घोषाल काका, हम फंस गए थे, हमें इसकी तो कुछ फिक्र नहीं थी, मगर ताज्जुब यह है कि इस बड़े घर में ये फांस कैसे पड़ गई थी। हाँ, यही बात तो आज तुम सबको बतानी होगी, ताकि आगे चलकर किसी गलती और भूल के कारण हर मनुष्य में जो भगवान है वो मन ही मन में रो रो कर मर न जाए। इस घर में ये फांस कैसे पड़ी और तुम सब ने इस फांस में क्या क्या हिस्सा लिया, आज सबको साफ साफ बताना होगा। अच्छा, तो पहले मैं ही शुरू करता हूँ। आज से 12 बरस पहले इस घर में नहीं बल्कि पास ही एक छोटे गांव में मेरे बाप एक गरीब ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। चूंकि बचपन ही में मेरी माँ मर चुकी थी, इसीलिए बाबा ने मुझे किसी काम से मना नहीं किया। पाठशाला कभी गया कभी नहीं गया, शरारतों की वजह से मालूम होता था कि सारा गांव ही मेरे खिलाफ है। शिकायत इतनी पहुंची कि बेचारे बाबा इस सोच में घुलकर आधे रह गए। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है जबकि सुबह के वक्त बाबा मुझे अपने पास बिठाकर रामायण पढ़कर सुना रहे थे। मन को पंथ पग धरइन काऊ। बाबा बस आज रहने दीजिए। क्यों काशी? आपका ये अच्छा नहीं मालूम होता। नहीं बेटा, इसे सुन, ये बहुत जरूरी है। धन जनम जगति तलतासु पिताहि प्रमोद चरित सुने जासु। बाबा वैद्य जी को बुलाना। नहीं, थोड़ा पानी पिला दे। अच्छा बाबा। बेटा उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तू मुझे सहारा दे। चिंता ना कर, ऐसा तो कई बार हो चुका है, तू तो जानता ही है काशी। और वैद्य जी को बिना डगा पैसा दिए बार बार कष्ट देना ठीक नहीं है। अच्छा, तू एक और काम कर। वो क्या बाबा? आज तू पाठशाला मत जा, अभी तू सीधा मुखर्जी बाबू के घर जा। बिंदु के पिता के घर? हाँ, वहाँ ठाकुर जी की पूजा आज मेरे बदले तू जाकर करा, समझा? बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह देता हूँ, तेरी आदत है कि जब तू कोई आम अमरूद या कोई फल इधर उधर देखता है तो तेरे मुंह में पानी भर आता है। ये बहुत बुरी बात है। दूसरों के पेड़ का कोई पक्का हुआ फल भी जमीन पर गिर जाए तो तू भूख से मर जाइयो बेटा, मगर उसे कभी हाथ न लगाइयो, समझा? वो तेरे लिए नहीं है। चुप क्यों हो बेटा? मैं वचन देता हूँ बाबा। हाँ, हाँ, इसे याद रखना। अभी तूने रामायण में सुना है, रघुकुल रीत सदा चलियाई, प्राण जाई वरु बचन ना जाई। नहीं भूलूंगा बाबा।
तो बिल्कुल महादेव जी समान है। आपको तो सन्यासी कहना चाहिए। सन्यासी ये सुनकर तो सचमुच मुझे हंसी आती है। अरे तुम जो बाहर बैठ रहे हो तुम तो हो बाबा, इस बेचारे सन्यासी पर अंदर से आवाज बढ़ गई। मुझे बुला रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आता हूँ। अरे कहो बिंदु की माँ, सवेरे सवेरे किसके नाम सम्मन जारी कर रही हो? हाँ, मेरे मुँह से आवाज निकली और बस सम्मन जारी होने लगे। अजी, तुम्हारी लड़की जो बिना पूजा हुए जल तक नहीं पीती, उसका भी तुम्हें कुछ होश है? क्यों, रोहित जी नहीं आए? जी नहीं, वो अपने उस सांड को दिन रात संभाले या पूजा पाठ करने यहाँ आए। सांड? हाँ, वो उनका गुण भरा छोकरा। काशी ना? हाँ पिताजी, काशी भैया। चुप, काशी भैया गांव में भैया बनाने के लिए और कोई नहीं था। अरे हाँ, बच्ची को क्यों कह रही हो? जा बेटा जा, थोड़ी देर आओ जाते। बिंदु की माँ, अरे परेशान क्यों होती हो? रोहित जी नहीं आए, गोसाई जी तो यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों नहीं, जब दिन रात यहाँ मुफ्त का हलवा मिलेगा तो बैठेंगे क्यों नहीं? हाँ, आज का दिन भी खराब गया। देखती है सब तरकीब भी जानती होगी, बस बता दीजिए। हाँ ये बता दूंगी, जो फिर काम बन गया वो हमारा। आओ, अरे क्या हुआ, पहले पैर दो। ओ हाँ, बिंदु सुना है तेरा ब्याह बहुत जल्द होने वाला है? मैं क्या जानू, लो ये रामना मान लो। बिंदु तुझे एक मजे की बात बताऊं। चुप चुप, क्यों? कहीं पूजा करते समय बातें करते हैं? ओ पंच पाताल उठाओ। अरे कहीं ये पंच पाताल है, ये लो। ओ मंत्र पढ़ो। अरे बिंदु घंटी से आवाज क्यों नहीं निकलती? हाथ में देखो क्या है, भला इससे आवाज निकलेगी? अरे जर अच्छा आपकी पूजा दे, ये लीजिए महाराज। पूजा समाप्त हो गई बिंदु। अरे एक क्या सभी एकदम से? क्यों नहीं, हम जब खाते हैं ना तो कितनी चीजें होती है, मगर खाने के बाद सब एक ही जगह पेट में जाकर मिल जाती है, इसलिए मैंने सारा भोग एक समय ही महाराज को खिला दिया। तो घबरा नहीं बिंदु, पिताजी ने मुझे बताया है कि पूजा सिर्फ मंत्र पढ़ने से नहीं होती, पूजा होती है भीतर मन से, इसलिए मैंने दिल ही दिल में पूजा का विचार करके महाराज को साफ भेंट कर दिया है। अच्छा बिंदु, पाठशाले के पास वो अमरूद का पेड़ याद है? सच्ची? हाँ लेकिन पिताजी। अरे उन्हें कैसे पता चलेगा? और माता जी? अब
अब माँ का डर है। हाँ चल। लीजिए। हाँ ये लखनऊ का तंबाकू नहीं? जी वहीं का है, मामा जी लखनऊ से लाए थे, उसी में से लाया हूँ। अच्छा जा भाई। लड़कियों तुम क्या लाई हो? पान। ठीक है रख। तुम क्या लाई हो? अचार। अच्छा रख। और तुम? लड्डू। लड्डू बहुत अच्छा रख। देखा मैंने क्या कहा था? अरे बाप रे, इतनी अमरूद, ये तो सारा तेरे अमरूद से लदा हुआ है। किस्तो आज कुछ लाया? हाँ लाया हूँ, ये देखिए चाचा जी के घर पे मगर छुपा कर। जीता रहा है बेटा, जीता रहा है, घर पर पहुँचा दीजो। बहुत अच्छा। माधो तू क्या लाया? ये अमृत। देखो बस इतना था, बड़ा काम है। अच्छा रख। थोड़े से तोड़ दो ना काशी भैया। आज से दूसरों के पेड़ का कोई पक्का फल भी जमीन पर गिरेगा तभी मैं उसे नहीं छूंगा। क्यों? पिताजी ने मना किया है। मैं अगर लू मेरे पिताजी ने तो मना नहीं किया। ठीक है। अच्छा तो पेड़ पर चलो। चढ़ूं? हाँ हाँ। तू कहती है? हाँ हाँ। अच्छा पाटू तू क्या लाया? जी मैंने माँ से कहा था मगर माँ ने समझा कुछ नहीं लाया। क्या खाली हाथ आने से विद्या भी की है? बन्नड़ गोपाल। नाड़ू गोपाल। हाँ हाँ नाड़ू गोपाल। बन गया। अच्छा बोल सूरज किधर से निकलता है? सूरज। हाँ हाँ सूरज। बस नहीं वो भी। अबे उधर क्या देखता है? चल दे दो। तू बता सूरज किधर से निकलता है? सूरज सूरज। अरे तुम सब उधर क्या तक रहे हो? सूरज क्या उधर से निकलता है? सर नहीं जी, काशीनाथ। काशीनाथ? जी हाँ, उधर देखिए ना, काशी ने आपका सारा पेड़ साफ कर दिया। लुच्चा का ही काम, आज मालूम हुआ ये है वो अमरूद का भूत। अच्छा है, दे मेरी लाठी। देखो तुम सब उधर से जाओ, याद रहे भगने ना पाए। मैं इधर से जाता हूँ, आज देखूंगा उसके बहादुरी। काशी भैया, काशी भैया क्या है रे? कोई आ रहा है। हा? अरे बिंदु ये तो वही बड़ी टोन वाला आ रहा है। पंडित जी। अरे बिंदु क्योंकि कुछ छोले बांग छोले बांग। अच्छा बच्चा बहुत फर्क किया था, आज देखूंगा। बाद मुद्दत के फंसा है पुराना चंडूल। काशी भैया अब कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? अब अच्छी तरह से जाना। क्यों रे बदमाश तू पेड़ पर चढ़ा था? हाँ। क्यों? अमरूद लेने के लिए। ये बात है पर आए पेड़ का फल मीठा लगता है ना। आगे मत बढ़िए। अबे मुझे आंखें दिखाता है? आगे मत बढ़िए, कहा देता हूँ आगे मत बढ़िए। तो फिर ले भाग गया पकड़ो पकड़ो। काशी भैया काशी भैया ये देखो तू क्या कर रहा है? अमरूद का पत्थर बड़ा बड़ा कर मारता है। पाजी बदमाश बंदर कहीं का। ओ, ओ, आप भी? अरे बाप रे अरे बाप रे अरे देखो पंडित जी को मार दिया। पंडित जी को पंडित जी गिर पड़े। अरे भागो भागो भागो। अरे बाप रे मर गया रे मर गया।
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज ही इसका फैसला करूंगा, आज ही। इंसाफ चाहिए इंसाफ, अगर इंसाफ ना मिलेगा तो मैं कह देता हूँ मैं हूँ ब्राह्मण, अगर मुंह से कोई। पंडित जी ये आप क्या कह रहे हैं, बताइए तो बात क्या है? क्या ये देखिए, ओहो ये तो अच्छा भला टमाटर बन गया। देखू अच्छा तो ये हुआ कैसे? अभी बताया तो काशीनाथ। काशीनाथ? काशीनाथ तो अच्छा लड़का नहीं मालूम होता। अच्छा लड़का ये एकदम पाजी लुच्चा बदमाश। बाहर बैठे हो तुम तो हो? ओहो मुझे बुला रही हो क्या? अच्छा मैं आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। कहो बिंदु की माँ मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारी पूजा करने के लिए। आपको कुछ होश भी है क्या हो रहा है? दो दिन के बाद लड़की का ब्याह होगा और पुरोहित का छोकरा इसकी आदतें खराब कर रहा है। आज अमृत चोरी करने सिखाता है, कल और कुछ। इसमें काशी भैया का क्या दोष? फिर काशी भैया? देखिए ना पिताजी, मैंने ही काशी भैया से थोड़े अमृत तोड़ने के लिए कहा था। लेकिन बेटा पंडित जी की आँख तो इसी भी काशी भैया का क्या दोष? मिलकर एकदम से काशी काशी भैया। मैं फैसला कर रहा हूँ। तुम क्या फैसला करोगे? मेरी लड़की है, मैं उसे सजा दूंगी। सुन लड़की, आज से अगर तूने घर से बाहर कदम निकाला तो याद रख, या तो तू नहीं या मैं नहीं। हाँ पंडित जी कैसे चले नीचे है अमरूद पड़े? पंडित जी कैसे चले नीचे है अमरूद पड़े? पंडित जी जानते हैं कच्चे पक्के हरे भरे कुछ डाली पर भी झूम रहे नहीं। पंडित बेटा चोटी घुमाए जो जो चाहे जाकर खाए। छोटे महाराज पंडित जी की चुटिया की दिल की अच्छी नहीं, जानते हो ये चुटिया नागन बन के लिपट जाती है। अजी जानता हूँ, जब तक चुटिया नागन बनेगी तब तक पेड़ भी खराब हो जाएगा। नहीं नहीं ये अमरुद मेरा नहीं, आज से कोई फल भी गिरेगा तो उसे नहीं छूंगा, पिताजी का आज्ञा। लो वो सपूत अब आ रहे हैं। बेचारे पुरोहित जी के भाग एक बूंद कोई पानी देने वाला भी न था। जी इस बार मैं कुछ न कर सका बेटा, कुछ न कर सका। जा बेटा भीतर जा। बाबा बाबा सुनो सुनो, मैंने अमरूद नहीं खाया, विश्वास करो मैंने नहीं खाया। साथ खाता हूँ, मैंने उसे फेंक दिया था। विश्वास करो मैं आपका आदेश नहीं भूला बाबा। बाबा माँ 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 मैं तुम्हारी पैर करती हूँ माँ, पैर करती हूँ। मुझे एक बार जाने दो माँ, सिर्फ एक बार जाने दो माँ। काशी भैया रो रहे हैं माँ, काशी भैया रो रहे हैं। मैं फिर कभी ना कहूँगी, सिर्फ एक बार जाने दो माँ 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 माँ। तुम्हारी? हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। देखो गुड़गुड़ी। अच्छा कौन सी घड़ी लगन की मुहूर्त? रात गए अभी बहुत समय है। हाँ तो इसमें तुम कर भी क्या सकते हो। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी अभी जब मैं पुरोहित के घर के पास से आ रहा था तो बेचारे काशीनाथ को बड़ा उदास बैठे हुए थे। अच्छा तब तो उसके बाप का श्राद्ध हो चुका है भाई, तुम्हें उसे जरूर बुलाना। अरे हाँ हाँ ये क्या कह रहे हो भाई नारायण, मैंने उसे बुलावा नहीं दिया, मैंने खुद गुसाई को भेजा था। अरे ओ गुसाई काशी की क्या खबर है? काशी के बारे में मुझसे कुछ न कहो, कितनी बार उसे बुलावा भेजा लेकिन उस टांग बराबर छोकरे ने सीधे मुंह बात कर नहीं की। बाबा यहाँ जमात पाया है सचमुच? हाँ अपने घर के बाहर बैठा था, जैसे ही उसने आदमी देखा दरवाजा बंद करके अंदर जा बैठा। तो फिर मुझसे भी सुनो दीदी, आज मेरे घर से भी उसके लिए सीधा जाने वाला था लेकिन मैंने नहीं भेजा। क्यों भेजू किसके लिए, वो भला कहीं उसे छूटा भी है? जैसा भेजो वैसा ही पड़ा रहता है। ओ माय ऐसा लड़का इतने दिनों से कुछ नहीं पाया। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। देखो गुड़गुड़ी मगर भाई सोने पे दो आगा ये
के पुरोहित जी खान भी छोड़कर नहीं मरे हैं और सुना है कि उनका मकान भी तो बेनी के पास गिरवी है। हाँ हाँ, मगर चंदा कर करके कब तक उस खान का पेट भरेंगे? अरे भाई, आप तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काशी का बंदोबस्त कर दिया है। हरिपुर के पीताम्बर चक्रवर्ती का नाम सुना है? हाँ हाँ। वो काशी के बाबा के बहुत पुराने जजमान थे। हाँ। उन्होंने काशी का सब बार अपने सर स्वीकार कर लिया। अच्छा बहन, भला मैं ये चाहूंगी कि आज के दिन काशी बिना खाए गांव से चला जाए। हमने तो यही सोचा था कि वो यहाँ खाना खाएगा, उसके बाद यहीं से चला जाएगा। लेकिन अब वो न खाए तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिंदु, बिंदु, अरे बिंदु को कहीं देखा है? अभी यहीं तो थी। यहीं थी, गई कहाँ? बिंदु, बिंदु, अरे ओ बिंदु। ठाकुर, हरेक कहता है कि जब तक सब न खा ले तुम नहीं खाते हो। अगर ये सच है तो काशी भैया ने अब तक कुछ नहीं खाया है, इसलिए फिर तुम कैसे खा सकते हो? ये पैसा मुझे दो, मैं यहाँ जाकर उन्हें खिलाऊंगी। मुझे नहीं कहूँगी कि तुम्हारी बहन बिंदु ले लाई है, कहूँगी कि ये ठाकुर ने भेजा है अपना प्रसाद। काशी भैया भी खा लेंगे, ठाकुर खा लेंगे। रघुवंशी न करत सहज सुभाऊ। छोटे ठाकुर तैयार हो, अंधेरा हो जाएगा। जाई वरु वचन न जाई, रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ। मन सुपंथ पग धरई न गाऊ। ओ छोटे ठाकुर, तुम आज जा रहे हो मैं जानती हूँ। कब वापिस आओगे? मैंने कई बार चाहा कि मैं आऊँ मगर किसी ने आने नहीं दिया। कब आओगे काशी भैया? छोटे ठाकुर, अब जल्दी चलो। तुमने कुछ खाया नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना लाएगी। वापिस आओगे ना? सब लोग आ रहे हैं लेकिन तुम नहीं होगे। मेरा जी कैसे लगेगा? बोलो कब वापिस आओगे काशी भैया? ओ छोटे ठाकुर, बड़ी देर हो रही है। देर हो रही है तो लो ये अपने पास रख लो, ठाकुर का भेजा प्रसाद रास्ते में खा लेना। तुमने बताया नहीं काशी भैया, तुम फिर कब लाओगे? आऊंगा बहन, मैं रामायण ठूकर तुझसे प्रतिज्ञा करता हूँ, जब कभी तू बुलाएगी तेरा भाई जरूर आएगा। हाँ तो घोषाल, लड़का आ गया ना? जी हाँ जी हाँ, लड़का आ गया। जी हाँ आ गया। भाई तुम्हारी राय में कैसा है? जी मेरा मतलब है कि अच्छा है ना? जी हाँ बहुत अच्छा। हाँ। ठीक है, कहाँ ठहराया है? जी वहीं वो 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 पास वाले कमरे में। जी हाँ पास वाले कमरे में। तो
तो फिर अब लड़के को चलकर देखना चाहिए। जी बहुत अच्छा। हरी, अरे वो हरी आया। अरे हरी वरी को रहने दो, हम दोनों वहीं चलते हैं। जी बहुत अच्छा, जा तू अपना काम कर। जरा बुलाओ तो इसे। सुनो बेटा, इधर आओ तो। अरे अरे ये सब वहीं रहने दो, तुम आओ तुम। इन्हें प्रणाम करो, आज से यही है तुम्हारे आश्रयदाता। बस 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 बस, तुम्हारा नाम बेटा? मेरा नाम जी काशीनाथ। काशीनाथ घोषाल जी, अब से भूख लगी है, इसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी बहुत अच्छा, अभी आओ। घोषाल जी, तुम्हारा बोझ हल्का हो गया, देखो मेरी बिटिया ने सारा बोझ अपने सर ले लिया। आओ। तुम लोग जाओ, आओ। मैं? हाँ तुम आओ। खुशहाल, लड़का सचमुच अच्छा है, कमला के साथ इसका जोड़ा अच्छा रहेगा। जी बैठो। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम, मैं जानती हूँ, काशीनाथ। और मेरा नाम कमला। और जिन्हें नायक जी ने तुमको प्रणाम करने के लिए कहा था ना, वो हैं मेरे पिताजी, इन सब गांव के मालिक पीतांबर चक्रवर्ती। खाओ। तुम्हारे बाप मर गए? मैं जानती हूँ, कुछ चिंता मत करो, मेरे पिताजी तो हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और देख लेना तुमसे भी वो बहुत प्रेम करेंगे। खाओ खाओ, अच्छा है ना? हाँ। जानते हो किसने बनाई है? नहीं, मेरी फूफी ने। अच्छा, मेरा नाम तो बता। कमला। कमला। ठाकुर, मेरी प्रार्थना है कि जो जो ये पौधा फले और फूले, ऐसे ही मेरे भैया का घर भी सदा फलता और फूलता रहे। शांता। कौन? भैया? बहन, ठाकुर से एक और बच्चे के कल्याण की प्रार्थना मांगो ना, जो अभी अभी आया है, सुना नहीं? हाँ सुना है। देखोगी नहीं? पराए पूछ से ममता, तुम जानते नहीं भैया, बुरी चीज होती है। अरे बहन, आज वो पराया है, लेकिन कल तो वो अपना हो जाएगा। परमात्मा ऐसा ही करे। लेकिन भैया, बन की चिड़िया बन ही में रहती है। बन की चिड़िया बन ही में? तुझे अच्छा नहीं मालूम होता ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं छोड़ सकता हूँ? बताओ मुझे क्या दोगे? Thank you.
इधर उधर कहीं देखो, इतना बड़ा बाग उसने पहली मर्तबा देखा है। वहीं कहीं बाग में खेल रहा होगा। मैं ये पूछता हूं कि वो यहां से जाएगा कहां है? कहीं नहीं मिला। अरे बेटा मालूम है काशी कहां है? मालूम नहीं कुपी, रोज सुबह तू ही तू से जगाती है। हाँ लेकिन आज बिछौना खाली पड़ा था। बिछौना खाली, फिर गया कहाँ? ये क्या घोषाल, इतने आदमी मौजूद है फिर वो कहाँ जा सकता है? कोई बात है कि दोपहर होने आई और अभी तक उसका कहीं पता नहीं चलता है? जाओ घोषाल, तमाम गांव में आदमियों को दौड़ा दो, हर खेत में उसकी तलाश करो। जाओ जल्दी। आखिर वो जाएगा कहाँ? Oh,
काशी मिला? जी नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला। तुम कितने लड़के हो भैया? तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा घर कहाँ है? काशीनाथ मिल गया, काशीनाथ मिल गया, काशीनाथ मिल गया, वो मिल गया। बाबूजी, बाबूजी, वो मिल गया। मिल गया? जी हाँ, मिल गया। मिल गया? जी हाँ, मिल गया। काशी मिल गया? जी हाँ, काशी मिल गया। काशी मिल गया, उसको मेरे सामने ले आओ। लड़के को यहीं रहने दो और तुम लोग बाहर जाओ। कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे? जवाब दो, चुप क्यों खड़े हो? कहाँ गए थे? जवाब दो, बोलो बोलो बोलो। वायदा करो कि अब मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगा। वायदा करो। मैं वायदा करता हूँ। वचन दो। मैं वचन देता हूँ। प्राण जाई वरु वचन न जाई। जानते हो पिताजी ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्यों? वो तुमसे प्रेम करते हैं। हाँ। नहीं, 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 नहीं। मैं अब एक मिनट की भी देर नहीं कर सकता। मैं अब उसे बांध के रखूंगा। जाओ तुम पुरोहित को तो बुला लो। हाँ हाँ भाई, मैं आज ही अपनी कमला का काशी के साथ विवाह किए देता हूँ। जाओ तुम पुरोहित को बुला लो। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और पिछले 12 बरस बड़े सुख और आराम से कटे। इसी अरसे में बड़े बाबू की सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी। एक दिन उन्होंने कलकत्ते से एक वकील को वसीयतनामा लिखने के लिए बुलाया और उसी रोज सुबह को पहले दिए थे तुमने 25 जी और अभी दिए हैं ये 5 जी। बाकी रुपए अगले हफ्ते में दे जाना। हाँ बहुत अच्छा। प्रचार किधर किधर है? कहाँ है प्रचार? क्यों जी, दिन देखो न रात, जब इच्छा होती है बुला भेजते हो, ये भी कोई बात है? राम राम महाराज, मैंने आपको नहीं बुलाया। हाँ। आपको बुलाया है छोटे बाबू। क्षमा कीजिए महाराज, मैंने भी आपको नहीं बुलाया है, आपको बुलाया है बड़े बाबू ने। क्यों? वो बीमार है ना। हाँ। इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। अब बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ, मुझे कहना है ये कि गांव की जो पाठशाला है ना, मैं उसका नया इंतजाम कर रहा हूँ। कीजिए, आपके पास तो फालतू समय बहुत है। एक आध काम जब भलाई का कर रहा है तो फिर उसमें लज्जा कैसी? ये बात नहीं, बात यह है कि इसमें आपको मेरी मदद करनी होगी। ओ। और इसीलिए बड़े बाबू ने अपनी खास माफी की जमीनों में से एक टुकड़ा जमीन आपको दान की है, समझे? ये लीजिए। ये क्या है? ये है उस जमीन का पट्टा। पट्टा? हाँ। बड़े बाबू की बात का क्या मुझे विश्वास नहीं, जो लिखत पढ़त करके मैं दान लूं? चूहे में झोंको अपने। इधर आओ, ये लक्ष्मी नारायण है, तुम हो और छोटे बाबू आप हैं, यही मेरे गवाह रहेंगे। कागज पत्तर लेकर क्या होगा? अच्छा छोटे बाबू, अब मुझे इजाजत दे दीजिए, बड़े बाबू मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि वकील साहब भी आकर बैठे हुए हैं ना। अच्छा जाइए महाराज, अब तो आपका गुस्सा धीमा हुआ। देखो जी घोषाल, यही तो तुम्हें बहुत बड़ा दोष है, मुझे गुस्सा कब आता है? मैं आज दोपहर गुस्से में रहता हूँ क्या? बताइए तो छोटे बाबू। नहीं तो ये कहिए। लेकिन मैं ब्राह्मण की जमीन के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैं इस समय पिताजी के पास थी, सामने वकील साहब बैठे हुए थे और कुछ लिख रहे थे। जब वो लिख चुके तो पिताजी ने कहा, वकील साहब लिख लिया? जी हाँ, एक बार पढ़िए तो। बहुत अच्छा। मैं पीताम्बर चक्रवर्ती अपने पूरे होश और हवास रखते हुए वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद जेवर और नकदी का आधा हिस्सा काशीनाथ को दिया जाए और बकाया आधा आधा हिस्सा मेरी इकलौती लड़की कमला देवी को दिया जाए। हाँ,
चलो ये काम भी खत्म हुआ। इंसान की जिंदगी का क्या भरोसा, न जाने कब मौत आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम समझे नहीं। अरे भाई, एक रोज तो सभी को जाना है ना, हैं? तुम ही बताओ कि कितने आनंद की बात है कि मनुष्य सबको हंसता खेलता छोड़कर मरे। फिर वही दवाई। पहले चुपके से दवाई पी लीजिए। पीजिए। कौन है? तुमने सब सुन लिया बेटी? जी हाँ। हाँ, तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? यही कि मैंने अपनी दौलत तुम में और काशीनाथ में आधी आधी बांट दी है। मुझे पसंद नहीं। पसंद नहीं? हाँ? तो क्या तुम नहीं चाहती कि काशीनाथ को आधी दौलत दी जाए? जी नहीं। बेटी। पिताजी, आपने ही तो मुझे सिखाया है कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ ही देना होता है। मुझे जायदाद नहीं चाहिए। अगर आप सारी जायदाद उनके नाम लिखते तो मुझे सच में बहुत आनंद होता। घोषाल, सुन लिया तुमने? सुना? बिल्कुल ठीक कहा बेटा। सभी कहते हैं जायदाद जायदाद, लेकिन मुझे तो इससे डर लगता है। क्यों? लोगों से सुना है कि जायदाद से झगड़े होते हैं। हाँ, लेकिन कभी कभी झगड़ा होना अच्छा है। झगड़ा ना हो तो प्रेम परखा नहीं जा सकता। फिर तो आपके जमाई का प्रेम परखना चाहिए। पगली। क्या हुआ कमला? ये क्या? आकाश पर ये काली घटा कैसी? बरसेगी। किस पर? आग पर। कसूर? फूफी जी कहती थी। हाँ? हाँ, फूफी जी कहती थी प्रेम परखने के लिए झगड़ा होना चाहिए। लो और सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप तैयार हो जाइए। अरे वाह, कुछ वक्त तो दो। नहीं, एक मिनट नहीं, मैं अभी शुरू करती हूँ। अभी? लो शुरू हुई इस बात। हमने तुमने सब रात, बस मेरे दिल का दाग, तुम कुछ नहीं गले का हार। सुनते हो? तुम नहीं गले का हार। अच्छा, मैं तेरे दिल का दाग सही, मैं तेरे दिल का दाग सही, पर दाग हूँ प्यारा प्यारा, बिन दाग न देगा चांद कभी ठंडा मीठा बुझियारा। कांटा न लगा हो, कांटा न लगा हो फूल के साथ, तो फूल है बिल्कुल खास, तो फूल है बिल्कुल खास, तो फूल है बिल्कुल खास। क्या इसी तरह की होगी शुरू? हमने तुमने तकरार, हमने तुमने तकरार। ओ अच्छा, कमला एक दफा फिर कोशिश करो। हम तुमने हमेशा तने रहे, कभी न होगा मेल। हाँ, कभी न होगा मेल। भूले तो न होंगे, भूले तो न होंगे अभी तुम्हें वो बालकपन के खेल, वो बालकपन के खेल, वो बालकपन के खेल। इस बार मगर कुछ, इस बार मगर कुछ ऐसे ठने गेला बनाए नहीं बनेगी, मिल कर फिर रहेंगे अलग अलग जैसे पानी रोटे। मैं जाके कहीं छुप जाऊंगा और पीहू 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 की बोल के बोली दिल में दर्द उठाऊंगा। मैं दिल का दर्द मिटाने और मन का नीत मनाने, अरे वाह, क्या इसी तरह की होगी शुरू? हम में तुमने तकरार, हम में तुमने तकरार, हम में तुमने तकरार। नहीं नहीं नहीं,
छोटे बाबू ये आपकी चिट्ठी है। चिट्ठी? जी हाँ, देखिए मैं जाऊँ, मुझे बहुत काम है। सुबह से खाली रुपया 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 रुपया। किसकी चिट्ठी है जी? आपने कुछ बताया नहीं। ओ, कमला, अगर मुझे अभी कलकत्ते जाना पड़े तो? जरूर, लेकिन क्यों? अगर मैं कहूँ कि एक शख्स बड़ी मुसीबत में पड़ गया है तो? कौन? फर्ज करो कि मैं ही। तो क्या अभी जाना होगा? ओ, विश्वास नहीं, बस ये देखो। बाजी, इसी पर कर मैं आप पर विश्वास करूंगी। ये हरी, सुन, नाथ जी किधर गए? अभी उधर गया है। ओ, अच्छा, तू एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से एक कपड़े और बिस्तर बांध दे। नाथ जी, सुनिए, मैं अभी कलकत्ते जा रहा हूँ। गाड़ी कब जाती है? यही 10:30 बजे। 10:30 बजे और तो समय नहीं है। मगर आप कलकत्ते क्यों जा रहे हैं? हाँ, एक काम कीजिए, मुझे 1000 रुपए तो दीजिए। 1000 रुपए? हाँ। देवी जी, क्या बात है, छोटे बाबू एकदम कहाँ जा रहे हैं? कलकत्ते। कलकत्ते क्यों? क्या क्या रखा है देखो। कमला, तेरे पिताजी को खाना भेज दिया है। आई तुम जाओ। बेटी कमला, बहन शांता। हाँ भैया। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक मालूम होती है। बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। हाँ। कौन है? जी मैं हूँ। आओ। छोटे बाबू कलकत्ते चले गए और मुझसे 1000 रुपए भी ले गए। बहन शांता, क्या मामला है? मालूम नहीं भैया। हाँ रे कमला, ना जाने ये चिट्ठी कहीं से आई थी। वो कहने लगे मैं बड़ी मुसीबत पे पड़ गया। ये रही वो चिट्ठी, छोटे बाबू की मेज पर पड़ी थी। श्रीमान, आपने एक दिन कहा था कि मैं जब कभी बुलाऊंगी आप जरूर आएंगे। क्या कहा? कौन जाएगा, कौन बुलाएगा? ना जाने, एक बिंदु वासिनी ने लिखा है कि उस पर कोई मुसीबत पड़ी है। लेकिन कमला तो अभी कह रही थी कि काशीनाथ पर कोई मुसीबत। बिंदु वासिनी, ये कौन है बिंदु वासिनी? मैं उस वक्त तक ये नहीं जानती थी कि बिंदु वासिनी है कौन। आज मैं समझी, वो दोष तुम्हारा नहीं था बहन, मेरा था। मैं अपनी मुसीबत में आप पागल थी। एक एक करके सास ससुर सब मर गए थे। कर्ज का बोझ सर से उतारने में दिन रात दीवानी थी। माँ बाप की दौलत सब तबाहों बर्बाद हो चुकी थी। उधर मेरे स्वामी बीमार होकर खटिया से ऐसे लगे कि अच्छा होने की कोई आशा न रही। तब एक दिन मुझे काशी भैया का वादा याद आया कि बिंदु, तू जब कभी भुलाएगी मैं तेरे पास पहुँचाऊंगा। इसीलिए मैंने लिख भेजा, तुम्हारी बिंदु बड़ी मुसीबत में है, आ जाओ। घर में कोई है? सुनते हो? बिंदु, बिंदु, कौन? रुपए का तगादा करने आए हो? भाग गए, वो यहाँ से चले गए। जी नहीं, मैं लेनदार नहीं हूँ। समझा, मकान चाहिए, कितने कमरे चाहिए? इस महल्ले भर में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। आप ही देखिए, इस 5 मंजिले मकान की कैसी लिपापोती हो रही है। जी नहीं, मकान किराए पर लेने नहीं आया हूँ। तो फिर यहाँ जो रहते थे ना, मुझे उनसे मिलना है। अब बता सकते हैं कि वो चोर सदाबाद, एक नंबर चोर, तेज सवार चोर। इतनी शिल्पकार में काम कैसे हो सकता है? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अरे हमसे नहीं, उन बाबू से कह रहे हैं। ओ, अरे बाबू साहब, वो किराया मार कर पूरे 6 महीने तक बीमारी का ढोंग के पड़ा रहा। आपका किराया कितना बाकी है? 6 महीने का 25 रुपए के हिसाब से 150 रुपए। अच्छा, ले लीजिए, मैं उनकी तरफ से आपको किराया देता हूँ। ये क्या बाबू साहब, सुनिए। अरे बाबू साहब सुनिए, तो सुनिए, आप ही काशीनाथ है ना? जी हाँ। लड़की तो ठीक ही कहती थी कि आप रुपए लेकर जरूर आएंगे। ये देखिए आपका नाम, और अब जहाँ वो लोग उठ कर गए हैं वहाँ का पता और ठिकाना। अरे बाबू साहब क्या बताऊं, देखो नवाब हो गए हैं, नवाब। अपना अपना काम करो।
इनको कहाँ बिठाऊं? अरे बाबू साहब, आप कुछ मतलब बैठने का है? हाँ हाँ, चले गए? जी गए जी, गए। अपना अपना काम करो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है ना? ये मकान है? है। हाँ सुन रहा हूँ। तुम्हारी सेवा ही ने तो अब तक मुझे बचा रखा है बिंदु। हे बिंदु, तुम नहीं खाओगी? नहीं। नहीं क्यों? वादी, आज तो मेरा व्रत है। व्रत किस बात का? अरे वो क्या कहते हैं कि वो तुम नहीं समझोगे। ये क्या? सवेरे बहुत खा लिया था ना, इसलिए इस वक्त खाने को जी नहीं चाह रहा है। तुम भूल रहे हो, आज सवेरे तुमने खाना दिया। तुम भी भूल रही हो बिंदु, अपने ऊपर जुल्म करने की बेहद होती है। आओ, भगवान का दिया जो कुछ अपने पास है हम दोनों मिलजुल कर इसे खा लें। सुनते हो बिंदु? वो आ गया। कौन? अरे होगा कौन, वही हमारा पुराना मकानदार। उसे भला नींद कब आती होगी, वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अच्छा जाऊँ मिला। सुनो, नहीं नहीं नहीं, ये गले से मत उतारो। मेरी माँ की यही एक निशानी अब रह गई है। इसको रहने दो, इसको रहने दो। कहिए आप पहुंचे? जी हाँ। आप क्या आपका भी कुछ मुझ पर चाहिए? बेशक, बहुत दिन का, और इसीलिए मैं आज अगला पिछला सूद दर सूद सब वसूल करने आया हूँ। आपको तो मैं पहचाना नहीं, आप है कौन? हाँ? कौन? कौन? काशी भैया। बिंदु। काशी भैया। बिंदु। काशी भैया। बिंदु। जो मेरा ख्याल था ठीक वैसा ही निकला। इसमें कोई भूल नहीं हो सकती। ये मेरे काशी भैया हैं। झूठी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं। क्षमा कीजिए, ये बिल्कुल झूठ है। आप बिंदु के काशी भैया हैं और मेरे नहीं। हो ये बात है, ठीक है बहन, ठीक है। काशी भैया। भैया भैया सब ठीक है, अब आज से मैं तुम दोनों का काशी भैया हूँ। अब तो ठीक है। बिंदु, काशी भैया ने अब तक कुछ नहीं खाया होगा। ठीक तो काशी भैया। बिंदु, आज मेरा व्रत है। व्रत? व्रत किस बात का? वही जो क्या कहते हैं वो तुम लोग नहीं समझोगे। ये मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे सुन सुन बिंदु, आज सवेरे बहुत खा लिया था ना, इसीलिए खाने को जी नहीं चाह रहा है। तुम भूल रहे हो काशी भैया, आज सवेरे तुम तो रेल में बैठे हुए थे। तुम दोनों भूल रहे हो कि अपने ऊपर जुल्म करने की एक हद होती है। अब चलो, और तुम भी। भगवान का दिया जो कुछ अपने पास है हम लोग उसे मिलजुल कर खा लें। हाँ? ये लो सेब। देखता हूँ सेब, डॉक्टर ने कई बार कहा था मगर मैं न खिला सकी। ये लो अनार। कितना अच्छा अनार है, देखो तो। दवाई के साथ रोज अनार का रस भी देने के लिए कहा था लेकिन एक दिन भी देना नसीब न हुआ। संतरा। संतरा? हाँ? संतरा, रोज एक गिलास अगर मैं इसका पिला सकती तो क्या तुम्हारा ये रोज? नहीं नहीं काशी भैया, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये मैं नहीं खा सकती। नहीं काशी भैया, नहीं, नहीं। क्या हुआ, क्या कहा?
रोग, रोग। जितने दिन गुजरते जाते थे उतने ही लोगों के मुंह से बुरी बुरी बातें सुनकर मेरा दिल टूटता जाता था। मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। पिताजी इतने बीमार थे, मैं उनके पास भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मुझे देखकर वो एक ही सवाल करते थे और मैं जवाब नहीं दे सकती थी। पिताजी भी आहिस्ता आहिस्ता उनसे नाराज हो गए। उसकी राह देखते देखते तू पत्थर बन गई है बेटा, जब उसका जी चाहे वो आए। सुन सुन, भैया की हालत अच्छी नहीं मालूम होती बेटा। अब तू अपने पिताजी की किसी आज्ञा से इनकार न कीजिए, सिवाय तेरी भलाई के उन्हें और कोई चिंता नहीं है। चल। कौन? काशी जी? नहीं सरकार। पिताम्बर बाबू, दूसरा वसीयतनामा तैयार है। कलम। मैं अपनी सारी जायदाद अपनी इकलौती बेटी कमला को देता हूँ। भैया भैया, तुम्हारी कमला। बेटी कमला, मैंने तेरी भलाई के लिए सब कुछ किया, भलाई के। डॉक्टर बाबू, देखा क्या हालत कुछ खराब? खराब? हाँ खराब ही है। तो आप जरा इधर आइएगा। नहीं नहीं, उधर आने की कोई जरूरत नहीं है, इनके सामने ही कहना अच्छा है। आप इस तरह क्या देख रहे हैं? आप तो बिल्कुल अच्छे हो गए, बिल्कुल अच्छे। लेकिन आपने तो अभी कहा कि हालत कुछ खराब। हाँ वो मेरे लिए। आपके लिए? मरीज को हुआ इफाका तो डॉक्टर को हो फाका, यही बात है ना कैसी बाबू? मैं तो डॉक्टर बाबू बहुत ही घबरा गया था। नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा काशी बाबू, मुझे इसी ट्रेन से कलकत्ते लौटना है। विनोद बाबू, भगवान की दया से आप तो बिल्कुल अच्छे हैं। नजर उड़ाइए, सहन कीजिए, गुड बाय। नमस्ते काशी बाबू। नमस्ते काशी भैया। विनोद, बिंदु, बिंदु। मेरे दुखों की रहना कठिन, मेरे दुखों की रहना कठिन, सुख चैन भरी फिर भोर सुहानी आई 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 रे। मेरे दुखों की रहना कठिन, बहुत दिनों पर मेरी पूजा तो बेबसी है बिना बिना मधुर बजाती हरी हुई थे वन बगिया। हर डाल फूल फल लाई 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 रे, मेरे दुख की रहना कटी। और आकाश कही मन तुम्हारे में।
चलो बिंदु, हम लोग काशी भैया को प्रणाम कर रहे हैं। कमला, कमला, मेरी अच्छी कमला, मुझे आज छुट्टी मिल गई। सच? क्या तुम खफा हो? नहीं 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 लक्की, मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ, जब तुम सुनोगी तो बहुत खुश होगी। ओ, क्या पिताजी खफा है? नहीं नहीं नहीं, वो सुनेंगे तो आशीर्वाद देंगे, क्योंकि कमला जो कुछ भी मैंने किया उन्हीं की तो शिक्षा है। हाँ, तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूँ, ठहरो। ये देखो, मेरी बहन ने तुम्हारे लिए भेजा है, जरा मांग तो दिखाओ। सावित्री सिंदूर। काशी भैया। अरे अरे अरे, तूने सुन लिया ना? काशी भैया, आज समझी, इतने दिनों तक तुमने भाभी से दूर रखकर मैंने सचमुच बड़ा अपराध किया। अरे दूर कहाँ रखा, वो तो हर समय हर मिनट मेरे पास ही थी, और तुमने तो सुना मैं उनसे कैसी मीठी मीठी बातें कर रहा था, है ना भैया? जी हाँ। काशी भैया। जियो जियो जियो। काशी भैया। बिंदु भैया। बिंदु काशी भैया। बिंदु, मेरा दिल चाहता था कि तुम्हें और कुछ दिन रहूं, लेकिन नहीं, आज जो कुछ मैंने देखा, नहीं नहीं, तुम जाओ भैया, मगर जाने से पहले ये बताकर जाओ कि फिर कब आओगे? जितनी जल्दी हो सकेगा आऊंगा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, समझी? बाबू। कौन कौन कौन? क्या है रे? आपकी चिट्ठी। ये सब तो कलकत्ते से फिरते फिराती आई है। ये क्या, कोई बुरी खबर तो नहीं है भैया? हाँ, आप मुझे फौरन ही जाना चाहिए, पिताजी की हालत बहुत खराब है। विनोद, आप अपना ये घर बार तुम आप संभालो, मैंने आज सारा हिसाब किताब निपटा दिया है, फिर भी अगर किसी को देना दिलाना निकले तो भैया तुम्हारे पास जो रुपया है ना, उन्हें भी चुका देना, और अगर ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़े तो बिंदु लज्जा मत कीजिए, मुझे फौरन लिख दीजिए। तू जानती है तेरा काशी भैया आजकल बहुत बड़ा आदमी है, जमींदार पीतम्बर चक्रवर्ती की आधी जायदाद का मालिक। हम चले वतन की ओर, हम चले वतन की ओर, खींच रहा है कोई हमको काल के प्रेम की दो, हम चले वतन की ओ, हम चले वतन की ओ। फूल खिले हैं नए नए और नई होप ले आई, मस्त हवाएं चली डालियां झूम झूम लहराई, नाच रहा है ताल ताल पर मस्ताना मनमोर, हम चले वतन की ओर, हम चले वतन की ओर। आज किसी की पूरी होगी, हंसेंगे आज किसी के नैना, रस टपकाएंगे कानों में किसी के मनोहर मीठे बैना। सुहाग का आज किसी के सुख सुहाग का रहेगा बोर न छोर, हम चले वतन के, चले वतन के, चले वतन की ओर, हम चले वतन की ओर। छोटे बाबू, छोटे बाबू। नायक जी। आप अब आए, काश इससे पहले आ जाते। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? वो तो हमेशा के लिए अच्छे हो गए। क्या
ये आप क्या कह रहे हैं? ओह, न जाने बेचारी कमला पर अकेले क्या गुजरी होगी। कमला, 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 मैं नहीं जानता था कमला, रहने दो, मेरे कभी ध्यान में भी ना था कमला, ऐसे नाजुक वक्त पर, जबकि मुझे तुम्हारे पास होना बहुत जरूरी था, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारे पास ना हुआ। आप अभी आए हैं? हाँ, नायक जी से सुनकर मैं सीधा तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तुमसे कैसे क्षमा चाहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। क्या इसकी कोई जरूरत है? अगर तुम्हारा दिल कहता है कि नहीं, तो सचमुच कोई जरूरत नहीं। आप कुछ थके हुए मालूम होते हैं। नहीं, थका तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जरा भूख लगी है। अब बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। छोटे बाबू, जरा बाहर आइए। कौन? नायक जी। कहिए छोटे बाबू, जरा आइए। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, ये काम मुझे ही करने के लिए दिया गया है। क्या? न जाने क्यों, लेकिन मरने से पहले बड़े बाबू ने दूसरा वसीयतनामा लिख दिया था, जिसकी रूह से वो अपनी बेटी को सारी जायदाद का मालिक बना कर गए हैं। इसमें अफसोस करने की क्या बात है नायक जी, जिसकी जायदाद थी उसे मिल गई, इसमें आपको क्या और मुझे क्या। जिस तरह हम सारा काम काज करते आए हैं, उसी तरह काम काज करते रहेंगे। शाबाश छोटे बाबू, लेकिन यहाँ की तो काया ही पलट गई है। क्यों? मेरे साथ चलिए। आप इस कमरे को पहचानते हैं छोटे बाबू? ये तो हमारा पुराना दफ्तर है ना? जी हाँ। ये तो बिल्कुल ही बदल गया है नायक जी। जी। ये क्या, पिताजी की तस्वीर की जगह ये तस्वीर? जी हाँ। अरे, लक्ष्मी जी की तस्वीर की जगह ये विलायती कैलेंडर? जी। और पुरानी तिजोरी के बजाय ये विलायती आयरन सेफ? और आपके बैठने के लिए जो तकिया फर्श वगैरह था, उसकी जगह ये टेबल कुर्सी? जी हाँ। ये सब क्या है नायक जी? कलकत्ते से एक नए मैनेजर आए हैं, दत्ता साहब। मैनेजर? जी। हमारी जिम्मेदारी के लिए? जी हाँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। बॉय जी, मैं बुला देता हूँ। अरे चपरासी, ओ चपरासी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? क्या काम है? कुछ नहीं, ऐसे ही आया। चपरासी, ये हम लोग खुशहाल बाबू। बहुत अच्छा जी, आप मुझे बुला रहे हैं? देखिए खुशहाल बाबू, आपसे कोई मिलने आए उसे अपने कमरे में बैठाए दीजिए, समझे आप? ये ऑफिस है, ऑफिस। आप छोटे बाबू हैं? छोटे बाबू? जी। कौन छोटे बाबू? कमला देवी जी के स्वामी। देवी जी के स्वामी? जी हाँ। Oh, I see. आप, how do you do? नमस्ते। चलिए नायक जी, अपने कमरे में चलिए। नमस्ते नायक जी, इस विलायती दुम्बे को यहाँ किसने बुलाया? ये कुछ मुझसे ना पूछिए छोटे बाबू। ओह, मगर ये है कौन? जी सुना है कि विलायत में रहकर आए हैं, मालूम होता है कि दिमाग के साथ साथ विलायत की सर्दी से इनकी जबान भी हट गई है। बेचारे बैरिस्ट्री पास करने गए थे लेकिन। ओह, समझ गया। अच्छा आइए बैठिए, खाइए। ये क्या, आप कह रहे थे भूख लगी है? ओह हाँ, 12 बरस पहले एक दिन इसी तरह प्यार से तुमने मुझे खाना खिलाया था, लेकिन कहाँ वो दिन, कहाँ ये दिन। इस तरह क्या देख रहे हैं? तुमको क्या, मैं कुछ बदल गई हूँ? इतनी ज्यादा कि पहचानना भी मुश्किल है।
कुछ कह नहीं सकता। एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहो, कि इन चीजों में तुम्हारा हाथ नहीं है। कहो। सोचने के लिए बहुत समय मिलेगा, पहले खाना खाइए। बस इतनी सी बात थी। बिंदु, बिंदु, अरे बिंदु, क्या है? चिट्ठी। अरे ये तो काशी भैया की चिट्ठी है, देखा मेरे नाम है। जी मुझे भी लिखी है। देखो क्या लिखा है। ठहरो मुझे पहले पढ़ने तो दो। अच्छा मैं अपनी चिट्ठी पढ़ती हूँ। बिंदु, 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 न जाने आज क्यों तेरी सूरत बार बार मेरी आंखों के सामने फिर रही है। अच्छा सुन, वापसी पर पिताजी से मेरा मिलना ना हो सका। जानते हो विनोद, पिताजी चले गए और उनके साथ साथ और बहुत सी चीजें भी चली गईं। बिंदु, तू सोचती होगी कि सारी जिम्मेदारी का बोझ तेरे भैया के कंधों पर होगा और बहुत काम काज करने पड़ते होंगे, है ना? नहीं बिंदु, नहीं। जानते हो भैया, आजकल मुझे फुर्सत ही फुर्सत है, इसीलिए मैंने गांव में एक पाठशाला खोल लिया है। उन बच्चों के संग रहकर मेरे पिछले खोए हुए दिन मुझे सब वापिस मिल गए हैं भैया। तुझे याद है बिंदु, जिस दिन मैं गांव छोड़कर चला था तो सिर्फ एक तू मेरे साथ थी और बाबा की दी हुई एक रामायण। विनोद, न जाने वो रामायण मैं कहाँ खो बैठा था, पर वो मुझे मिल गई। अब उसे रोज बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और आप भी पढ़ता हूँ। बड़ा आनंद मिलता है भैया, बड़ा आनंद। बिंदु, मैं भूला नहीं हूँ, मैंने जरूर वादा किया था कि तेरी भाभी को लेकर आऊंगा, लेकिन तुम्हें जो लिखा है कि हमारे आने की मुहूर्त अगली पूर्णिमा में निकली है। बिंदु, अरे बिंदु, सारी मुहूर्त पंचांग में नहीं हुआ करती है। जानते हो भैया विनोद, जीवन में बहुत ऐसी भी मुहूर्त हैं जो पंचांग के बाहर हैं। बिंदु, आओ हम सब मिलकर उस घड़ी का इंतजार करें, वो मुहूर्त भी एक दिन जरूर आएगी। एक ऐसी ही शुभ घड़ी मेरे जीवन में पहली भी आई थी, जब मैंने इनके चरणों में आकर आश्रय लिया था। अब तुम लोग भी उनके आश्रय में हो। तुम लोग लिखोगे, पढ़ोगे, अच्छे आदमी बनोगे, इस गांव का नाम रोशन होगा, इसीलिए तो इन्होंने ये पाठशाला यहाँ बनाया था। आज इन्हीं की बस्ती का दिन है। काशी भैया, मैं फूल लाया हूँ, चढ़ा दो। फूल? हाँ हाँ चढ़ा दो। हाँ देखो, आज तुम्हें रामायण नहीं पढ़ा सकूंगा, मुझे कहीं जाना है। हाँ? अच्छा जाओ, आज तुम्हें सवेरे से छुट्टी। काशी भैया, क्या अगर हम लोग आपसे पढ़े? हो तुम लोग आप ही पढ़ोगे, बहुत अच्छे। तो ये स्वाद से तुम्हें आशीर्वाद देंगे, जरूर आशीर्वाद देंगे। आज भैया नहीं, लेकिन भैया का आशीर्वाद तो है बेटा। उठ बेटा उठ, देख तो तू कितनी सुंदर मालूम हो रही है। तेरे ये कपड़े, तेरा सिंगार सब बेकार। बेकार? भैया के मरने के बाद तुम दोनों में क्या हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं आप भी नहीं जानती फूफी जी, जितना मैं अपनी तरफ खींचती हूँ उतना ही वो मुझसे खींचते जाते हैं। रात रात भर अकेली जगह करती हूँ और सवेरे सुनती हूँ वो नीचे कमरे में आराम कर रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके पास जाऊँ, मगर वो कहाँ रहते हैं कुछ पता नहीं चलता। आज पिताजी जिंदा होते तो जी, बच्चे के दिन आँख से आंसू नहीं टपकाते बेटा। अरे ये क्या, तेरा पिंडा क्यों जल रहा है? न जले तो मरूंगे कैसे? कमला, तेरी चीज तेरी ही है, तू अगर अपना जोर जता कर उसे अपने पास रखे तो संसार की कोई ताकत तुझसे नहीं छीन सकती। इसीलिए तो बेटा मैं तुझे सजा सुजू कर उसके पास भेज रही हूँ। जा बेटा जा। देवी जी, देवी जी, सब कुछ रेडी है, भजन वाले भी आ गए हैं। सच पूछिए तो अपने जीवन में मैंने कोई काम इतनी मोहब्बत से नहीं किया, आप देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। एक मिनट के लिए आइएगा। आती हूँ उन्हें लेकर। और ना?
कमला कब आई? ये क्या? आप नहीं पढ़ सकते तो फिर क्यों? किताबों के सिवा आपको और कोई चीज प्यारी नहीं? ओ, यही काबिल हो गई हूँ कि आप एक नजर भी उठाकर मुझे देखना पसंद नहीं करते? आज पिताजी की बरसी है, अब तो इसका भी पास नहीं। सबसे प्यारी चीज एक किताब रह गई है। नहीं नहीं कमला छोड़ो, तुम नहीं जानती ये किताब मुझे कितनी प्यारी है। कमला ये बीरा बढ़ती
छोटी बीवी की अब कैसी तबीयत? अब कोई चिंता की बात नहीं, जिस तरह सावित्री ने सत्यवान को मौत के मुंह से बचा लिया था, ठीक आज उसी तरह से सत्यवान ने सावित्री को बचा लिया, समझे नायक जी? अरे भाई मेरी दवाई क्या काम करती, जो कुछ किया छोटे बाबू की दिन रात की सेवा ने। भैया जी हाँ, ये दवा अभी पिलानी होगी? हाँ हाँ, सचमुच ये है सेवा। ये पी लो, पियो। कुछ कहना है? ये क्या तुम रो रही हो? रो नहीं, बोलिए। मैं आपको किस तरह अपना बना सकती हूँ? तुमने तो मुझे अपना कर लिया है कमला। नहीं नहीं, यह कहकर मेरा दिल मत बहलाइए। मैं तुम्हारा ही हूँ कमला, मगर तुम समझी नहीं। फूफी जी, फूफी जी, आप तो यही है ना, दो घंटे बाद ये दवा इन्हें पिला दीजिएगा। अच्छा बेटा, बेचारा बच्चा किसी दिन भी एक मिनट के लिए तेरे पास से नहीं हटा। मगर फूफी जी, पास रहकर भी जो दूर रहे उसे क्यों कर पा सकते हैं? कौन? मैं मिस्टर दत्ता, एज यूजुअल आपकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। इतने दिनों से आप बेहोश थी, आपको नहीं मालूम हुआ, लेकिन घर के सब लोग जानते हैं कि मैं दिन में कितनी दफा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बराबर आता जाता रहा हूँ। मुझे कैसी फिक्र थी, बस द लॉर्ड नोज, वही जाने। पुपी जी, इनसे पूछिए इन्हें कोई काम है? काम? आपकी खैरियत मालूम करने से भी क्या कोई बड़ा काम है देवी जी? आप बीमार हैं, क्या मेरा दिल किसी और काम में लग सकता है? शुक्रिया, अब जाइए, काम होगा तो कैला भेजूंगी। जरूर जरूर, फौरन हुक्म भेज दीजिएगा, अगर आपकी कुछ भी सेवा कर सकूंगा तो द लॉर्ड नोज मेरे लिए कितने फख्र की बात होगी। नायक जी नमस्ते। नायक जी मुझे 500 रुपए चाहिए। आप मुझसे रुपए मांग रहे हैं छोटे बाबू? आप तो जानते हैं कि आजकल मेरे हाथ पर किस तरह बंधे हुए हैं। ओहो समझ गया, आजकल नए मैनेजर के पास जाना होता है। अच्छा तो मैं खुद ही जाता हूँ। देखिए मुझे 500 रुपए चाहिए। छोटे बाबू को रुपए चाहिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ किस काम के लिए? आपके इस सवाल का क्या मुझे जवाब देना होगा?
मेरा मांगना ही आपके लिए काफी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब? एक्सक्यूज मी, मालिक के हुक्म बिना मैं आपको एक पेनी नहीं दे सकता, समझे आप? इज इट क्वाइट क्लियर? अच्छा अच्छा बॉय। मैं पीताम्बर चक्रवर्ती की लड़की कमला देवी अपनी सारी जायदाद अपने स्वामी काशीनाथ के नाम लिखती हूँ। कलम दीजिए। आप एक बार फिर सोच लीजिए। मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ, कलम दीजिए। देवी जी। क्या है? छोटे बाबू आपको अभी बुला रहे हैं। आप जरा ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। कमला, तुम उस नए आदमी को अभी निकाल दो। वो कौन? तुम्हारा मैनेजर। क्यों? वो मुझसे बहुत गुस्ताखी से पेश आया है। कैसे? मैंने जब उससे रुपए मांगे तो कहने लगा कि मालिक के हुक्म बिना मैं नहीं दे सकता। नहीं दिया तो अच्छा ही किया, मैं इस तरह रुपया फजूल उड़ाना नहीं चाहती। मुझे देना उड़ाना है? कुछ भी समझिए, फजूल खर्च करना उड़ाने के बराबर है। किसी की जरूरत के समय खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है कमला। जरूरत किसको? मुझे रुपए एक शख्स को भेजने हैं। अगर किसी को रुपए देने हैं तो आप अपने पास से दीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लीजिए, अब आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत किस चीज पर? आपने जो अभी अपनी सारी जायदाद अपने स्वामी को। नहीं नहीं, मैं जायदाद किसी को नहीं दूंगी। मरते समय पिताजी सब कुछ मुझे दे गए थे, इसे फाड़ कर फेंक दीजिए। जायदाद की मालिक मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। नाइटी, नमस्ते। नाइटी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। फरमाइए। ये अंगूठी। अच्छा, तुम लोग जरा बाहर तो ठहरो, बैठिए। नहीं ठीक है, अब देखिए तो ये अंगूठी कितने की होगी? ये अंगूठी कलकत्ते से बड़े बाबू 1200 रुपए की खरीद कर लाए थे। ओह, तब तो ठीक है, आप इसे रख लीजिए और इसके बदले में दफ्तर से 500 रुपए लेकर बिंदुवासिनी को इस पते पर फौरन भेज दीजिए और बाद में इसे बेचकर या गिरवी रख रखा कर अब दफ्तर के रुपए पूरे कर लीजिएगा। नायक जी, आपको ये काम करना ही होगा। नायक जी। अच्छा, आज बचा धरे गए, मेरे कमरे में चलो। कम ऑन, कम किया। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हैं आप? शट अप। हे बाजा, लुक हियर, मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है। बोलो, अब मुझे दोस्त देखना चाहते हो या दुश्मन? मैं कुछ समझा नहीं सर। मेरे अल्फाज बिल्कुल साफ हैं। अगर दुश्मन देखना चाहते हो तो समझ लो, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। और अगर दोस्त देखना चाहते हो तो वे आओ। बोलो, ये छोटे बाबू की बिंदुवासिनी कौन है? क्या कह रहे हैं आप? बोलो। मुझे मिला है, जरूरी काम है। गुस्ताखी माफ कीजिएगा देवी जी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आपका नमक खाकर मैं आपको तबाह और बर्बाद होते नहीं दे सकता। आप क्या कहना चाहते हैं? ये छोटे बाबू कुछ भी करते, लेकिन मेरे ख्वाब और ख्याल में न था कि छोटे बाबू ऐसी। किसी और के बारे में कहना है तो कहिए। आप मुझे किस नजर से देखती हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन द लॉर्ड नोज कि आपकी भलाई और बेहतरी के सिवा मुझे और कोई ज्ञान ध्यान और चिंता नहीं है। आप शायद मालूम करना चाहती थी कि ये बिंदुवासिनी कौन है। नहीं नहीं, मैं सुनना नहीं चाहती, नहीं चाहती। नो नो, आपको सुना ही होगा, इसमें आपकी भलाई है। आपको बताना मेरा फर्ज है कि ये बिंदुवासिनी। फूफी जी, फूफी जी, फूफी जी, फिर वही पेड़ के साथ। क्यों रे, क्या हुआ? होने के लिए और रही क्या गया है। मेरा ब्याह करने के बजाय अगर गले में पत्थर मारकर मुझे पानी में फेंक देते तो 12 बरस तक इस पेड़ की सेवा करने में सर न फोड़ना पड़ता। शी शी शी, कमला तू ये क्या कह रही है? तू ले, ये ले, इस पेड़ में थोड़ा पानी दे। नहीं, इसकी जरूरत मुझे नहीं। पिताजी ने मरते समय सारी जायदाद मेरे नाम क्यों लिख दी थी वो मैं आप समझ रही हूँ। कमला। हाँ हाँ, ये जायदाद ही मेरी सब कुछ है, मैं इसी में खुश रहूंगी। इसके लिए अगर मेरा सब कुछ छूटता है तो छूटे। कमला, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे अपनी फिक्र नहीं,
फिक्र है तो इस बात की कि तुम्हारी भाभी एक बड़े खतरे में है, इसलिए बिंदु तू उनके लिए अपने ठाकुर से। खतरा? मेरी भाभी खतरे में? काशी भैया पर मुसीबत? रखिए अपने इन कागज पत्रों को, ये जमीन बड़े बाबू मुझे दान कर गए थे। मैं अब भी कह देता हूँ कि अपना मुकदमा उठा लीजिए, नहीं तो अपराध होगा, महा अपराध होगा। शराब 12 बरस से दहे लगान दिए, जमीन दबा बैठे हो और उस पर इतना चढ़ाते हो। लगान की एक एक पाई अदा कर दो, मैं मुकदमा उठा लूंगा, वरना अदालत में। अदालत तुम अकेले की नहीं है साहब बहादुर, अगर ये है तो मैं भी अदालत में सुलट लूंगा। मेरा भगवान मेरे साथ है, देखूंगा तुम मेरा क्या कर लोगे। छोटे बाबू, काश कि आज बड़े बाबू जिंदा होते। छोटे बाबू कहिए। छोटे बाबू, समय पर आप भी मुंह छुपा रहे हैं, आप मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन भगवान तो क्षमा नहीं करेगा। आज पीतम्बर चक्रवर्ती नहीं है, लेकिन उनकी लड़की तो है, क्या इस पाप का भोग उसे भुगतना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, नहीं, क्या कह रहे हैं, वो निर्दोष है, बेचारी बिल्कुल निर्दोष है, कुछ नहीं जानती। ठीक, अगर ये बात है तो अदालत में गवाही के लिए मैं आपको खड़ा करूंगा, और अगर आप अपनी स्त्री को इस पाप से बचाना चाहते हैं तो जो कुछ भी आपको मालूम है अदालत में सच सच कह दीजिएगा। अच्छा, मैं वायदा करता हूँ कि मैं आपकी तरफ से जरूर गवाही दूंगा, लेकिन आप जरा ठहरिए, मैं एक बार कमला से बात कर लूं। कौन? माफ कीजिएगा, मुझे आना ही पड़ा। देवी जी, इस तरह से जमींदारी का इंतजाम नहीं हो सकता। क्या हुआ? आप तो जानती हैं कि आज उस ब्राह्मण के मुकदमे की तारीख है। हाँ? और अभी मैं सुनकर आ रहा हूँ कि आपके स्वामी छोटे बाबू साहब इसी मकान में बैठकर और हमारे खिलाफ उस ब्राह्मण को भड़का रहे हैं। क्या मतलब? उन्होंने वचन दिया कि ब्राह्मण की तरफ से हमारे खिलाफ अदालत में गवाही देंगे। खैर, इसकी परवाह नहीं, मुकदमा तो हम जीतेंगे, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे। जमीन किसकी है? हमारी खास, हमारी मिल्कियत है, लिखत पढ़त सब हमारे हक में है। कौन जा रहा है? जी मैं छोटे बाबू के लिए खाना ले जा रहा हूँ। कहाँ? नीचे, जहाँ आजकल खाते हैं। खाना उस कमरे में रखो, और छोटे बाबू से कहो मैं उन्हें बुलाती हूँ। छोटे बाबू, खाने के लिए बीवी जी आपको ऊपर बुला रही हैं। ऊपर? जी हाँ। ओ, चलो अच्छा हुआ, जब कमला ने मुझे आप ही बुलाया है तो फिर फैसला अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ। आइए। बैठिए, खाइए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है कमला। जो आपको कहना है वो मैं जानती हूँ, पहले मेरी एक बात सुनिए। घर के शत्रु विभीषण ही के कारण सोने की लंका जलकर राख हो गई थी, आप जानते हैं? जानता। ये क्यों नहीं जानिएगा, वो भी तो पराई रोटियों पर पड़ा हुआ था। मैं नहीं समझ सकती कि जो आदमी दूसरों का खाकर पला हो और उसकी ये अवस्था कि अगर दूसरे ना दे तो उसे भूखा मारना पड़े, फिर ऐसे आदमी को सच बोलने का शौक क्यों चढ़ रहता है? जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये कौन सी शराफत है? कमला, जो स्त्री के टुकड़ों पर पड़ा हो उसे इतनी आंखों नहीं सुहाती। तुम्हारा बर्ताव रोज बरोज ऐसा होता जा रहा है कि अगर मेरी आंखों में लज्जा ना होती तो घर से निकाल देती ना। हाँ, जरूर निकाल देती। कमला, कमला, इससे पहले ना कभी तुमसे सख्त कलामी की है, ना करूंगा, लेकिन आज जो कुछ भी तुमने मुझे कहा मेरे जीवन में आज तक किसी ने नहीं कहा। अगर तुम इससे खुश हो तो मैं आज से तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर तुम सच्चे शरीफ हो तो अपनी बात का जरूर पालन करोगे। कमला, कमला, अपने ये बड़े बल वापस लो, वापस लो। कमला, अपने ये बड़े बल वापस लो। कमला, कमला, कमला वापस लो। कमला, कमला वापस लो। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मगर जाते समय मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना किए जाता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ तुम्हारे ये बड़े बोल आगे चलकर तुम्हें को दुख पहुँचाएंगे। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ कमला।
नहीं, ये घर मेरा नहीं। अब आज से ये घर मेरा नहीं, यहाँ मेरे लिए कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। बेटा बाबू, मैं गवाही दूंगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी तरफ से जरूर गवाही दूंगा। नहीं 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 बिंदु, नहीं बिंदु, बिंदु इस जगह मत आओ, इस जगह मत आओ, अब ये घर मेरा नहीं। बेटी, मैं जानती हूँ उन्होंने खाना नहीं खाया, वो चले गए, मगर उन्होंने कभी ये भी सोचा कि उन्हें तो एक ही तकलीफ होगी, और वो ये कि खाना नहीं खाया। मगर उनके खाना ना खाने से मेरे दिल पर क्या बीतेगी, मुझे कितना दुख उठाना पड़ेगा, कभी उन्होंने इसका भी विचार किया? अच्छा, मैं बहुत दुख सहती आई हूँ, और भी दुख सह लूंगी, मगर खाने के लिए अब उनसे नहीं कहूंगी। मैं ये कहने के लिए तो नहीं आया बेटी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोटे बाबू चले गए, छोटे बाबू चले गए, घर से चले गए। गुस्से में अगर मैंने अपने बोल वापिस नहीं लिए तो क्या इसके ये मतलब था कि मैं चाहती थी वो चले जाएं? उन्होंने मुंह से कहे हुए बोल सुने, मगर मेरे दिल के अंदर की बात नहीं सुनी। जाहिरा बातों पर विश्वास किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने जो ये बुरा बर्ताव किया वो उन्हें अपने से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने पास रखने के लिए, उन्हें अपना बनाने के लिए। तुम चले गए, तुम चले गए। मुझसे ना कुछ पूछ बिंदु, मेरे लिए कमला के घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो गए। हंसी
ब्राह्मण के खिलाफ तो मुकदमा चल ही रहा है और छोटे बाबू उसमें गवाही देंगे, वो सच्ची सच बोलेंगे। क्या तुम दोनों घर में लड़ते लड़ते अब एक दूसरे के खिलाफ अदालत में भी खड़े हो गए? बेटी, क्या तुम दोनों के मेल मिलाप की अब कोई सूरत नहीं निकल सकती? कुछ समझ में नहीं आता, भगवान ही जाने इस झगड़े का आगे चलकर क्या नतीजा निकलेगा। ठाकुर, मेरा मोह इस काबिल नहीं कि मैं तुमसे कुछ मांगू, फिर भी एक भीख मांगती हूँ, ब्राह्मण की जमीन उसे वापिस मिल जाए, मेरे स्वामी की बात बननी रहे, मैं हार जाऊं, हार जाऊं, हार जाऊं। मैं आपको फिर याद दिलाता हूं कि आपने हलफ उठाया है, सच बोलिए। आज तक मुझे अपने जीवन में कभी सच बोलने के लिए हलफ उठाने की जरूरत नहीं हुई। मैं खुद अच्छी तरह जानता हूं ये जमीन ब्राह्मण की है, पीतांबर चक्रवर्ती ने खुद मेरे ही हाथों से ये जमीन इन्हें दान की थी। अब रहा जमीन का पट्टा, वो तो हमारे समझाने बुझाने पर भी ब्राह्मण ने फाड़ कर फेंक दिया था, इसीलिए मैं आज अदालत में स्वामी होकर भी स्त्री के खिलाफ गवाही देने के लिए आया हूँ। सिर्फ ब्राह्मण की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्त्री को इन पापी और अधर्मी लोगों के जाल से बचाने के लिए भी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना और कहने की जरूरत नहीं। मैं फैसला देता हूँ कि ये जमीन जनार्दन ब्राह्मण की है। जय हो, जय हो, काशी भैया। समझता है कि मामला यहीं खत्म हो गया, मैं देख लूंगा। कौन? देवी जी, शर्म के मारे में आपके सामने सर नहीं उठा सकता। क्या? आपके स्वामी छोटे बाबू की वजह से अदालत में आपका मुकदमा हार गया। हा? जी हाँ, आज वो पति ब्राह्मण सीना तान के हंसता हुआ मेरे सामने से निकल कर गया है। हम हार गए। आप बार बार कहकर शर्मिंदा न कीजिए देवी जी, लेकिन हाँ, अगर आप हुक्म दें तो हम हार गए ना। ये लो। माय लॉर्ड, समझ गया, और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। देवी जी, यू आर ग्रेट। ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड, ओ माय लॉर्ड। बॉय, बॉय, हुजूर। याद है तुझे एक रोज मैंने फांसी से बचाया था? आपका गुलाम हाजिर है, हुक्म कीजिए। काशीनाथ को हटाना होगा हमेशा के लिए। भैया, काशी भैया, छोटे बाबू। भैया तुम मत जाओ, मेरा मन कुछ खटक रहा है। छोटे बाबू, क्या अभी जाना जरूरी है? हाँ, अभी जाना जरूरी है। सुनो, बाबा के मरते समय मैं कमला के पास ना था, इसी कारण मुझे बहुत सी मुसीबतें उठानी पड़ी हैं। अब मैंने प्रतिज्ञा की है कि ऐसी भूल अब न करूंगा। आज कमला मुसीबत में है, उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, और अगर आज फिर वही भूल करूं तो भगवान मुझे क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। अच्छा, हम लोग तुम्हें कुछ दूर तक पहुंचा दें? अरे मैं तो जा रहा हूँ पिया से मिलने को, ऐसे समय भला कोई किसी को साथ ले जाता है? जाओ, तुम लोग वापस जाओ, जाओ जाओ ना। जान गया पहचान गया, मैं जान गया पहचान गया, इस घोर अंधेरी रात में प्यारी तुमने मुझे पुकारा, गूंज उठा है मिलन गीत से, इसीलिए
जग सारा। हाँ मैं जान गया पहचान गया, हाँ तूने मुझे पुकारा। जैसे हवा पहलू में बिठा सिंहों को बहा ले जाए, वैसे तुम्हें बनाने अपना सच्चा करने जीवन सपना। पास तुम्हारे आता है, पास तुम्हारे आता है ये मन का इस तुम्हारा। मैं जान गया पहचान गया, हाँ मुझे पुकारा तुमने, मुझे पुकारा तुमने, मुझे पुकारा। देवी जी आपका हुक्म बजा लाया। घोषाल बाबू, छोटे बाबू की जरा खबर लो। इसने क्या कहा, क्या कहा फूफी जी? बोल। तुम नहीं बोल। जो नहीं आएगा। What do you mean? तुम ये समझते हो कि गांव में कोई आदमी नहीं है? पितंबर चक्रवर्ती मर गए हैं तो क्या हम सब भी मर गए हैं? What? बैठो। कोई है? देखो ये यहां से कदम भी बाहर न निकालने पाए। काशी भैया तुम जानते हो तुम्हें किसने मारा? मुमकिन है जानता हूं। आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो जानते हैं। अच्छा, आप उसे देखकर पहचान सकेंगे? किसे? अभी तो आपने कहा जिसने आपको मारा है उसे आप जानते हैं। नहीं, मैंने भूल से कहा था। सुनिए, आप जरा बाहर आइए। देखिए, इस हालत में इनसे कोई सवाल करना मेरी राय में तो ठीक नहीं। आप अगर कुछ देर और इंतजार करें तो शायद। लेकिन आप देखते नहीं, उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगर अभी उनका बयान न लिया जाएगा तो मुमकिन है कि वो। आप तो समझते ही हैं। क्या देख रहे हो? कमरे में और कोई है? नहीं तो कुछ कहना है? हाँ कमला, सुनो कमला, मेरे और करीब आओ। कमला, कमला, तुम सिर्फ एक बार कहो कि इस काम में तुम्हारा हाथ न था। क्या कह रहे हो? हाँ, तुम सिर्फ एक बार कहो, नहीं तो मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। मुझे मरकर भी शांति नहीं मिलेगी। न जाने काशी भैया क्या क्या पक रहे हैं। बहुत बेहोशी है, आखिरी कोशिश करके देखो। आखिरी कोशिश? बस रहने दीजिए, ये आपके बस का काम नहीं। बिंदु, आखिरी कोशिश अब तुझी को करनी होगी। अगर इनको कोई अच्छा कर सकता है तो वो सिर्फ कमला भाभी हैं। उनको यहाँ लाना होगा और ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है। बिंदु, मुझे आशिक बन दीजिए स्वामी। जाओ। तुम कौन हो बेटी? बेटी कहाँ है तो काका, मुझे मत रोकिए। भाभी कहाँ है? कमला भाभी, कौन कौन हो तुम, क्या चाहिए? आप काशी भैया की फूफी जी हैं ना? मैं जान गई, तब तक मेरी भी फूफी जी हैं। हाँ, बस बस, भाभी कहाँ हैं? भाभी 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 भाभी। क्या क्या कहा? भाभी? हाँ भाभी, मैं हूँ तुम्हारे स्वामी की बहन, तुम्हारी नंद बिंदुवासिनी। बिंदुवासिनी नंद? हाँ, मेरी नंद। ठाकुर, तुम मुझसे इतनी भूल हुई, मैं महापापी। अब ज्यादा सोचने का समय नहीं भाभी। काशी भैया तुम्हारा नाम लेकर बार बार यही पूछ रहे हैं कि बोलो कमला, बोलो, एक बार कहो इस काम में तुम्हारा हाथ ना था। मैं
इसका क्या जवाब दे सकती थी भाभी? भाभी इसीलिए मैं तुम्हारे पास भाग कर आई हूँ। तुम चलो, तुम लेकर चलोगी? हाँ। अरे अरे क्या करती हो, वैद्य जी ने मना किया है। नहीं नहीं, अपना दुख मैं आप जानती हूँ, जहाँ अब तक मेरा सुहाग बना रखा है ठाकुर। जैसे तुम्हारा सुहाग सदा बना रखेगा भाभी, चलो। बेटी ठहरो, जाने से पहले इसका फैसला कर दीजा, इसने अपना कसूर मान लिया है। देवी जी मैं गलत समझा, मुझसे कसूर हुआ, मुझे सजा दीजिए। सजा? सजा देगा वो सबसे बड़ा सजा देने वाला, मैं सजा देने वाली कौन? इनके हाथ खोल दीजिए चाचा। बेटी। हाँ, मेरा भी मुकदमा पेश है चाचा जी, मेरे हाकिम ने मुझे बुलाया है, अब ज्यादा समय नहीं, मैं जाती हूँ। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो। काशी भैया मुझे जाने दो, छोड़ दो भैया, छोड़ दो, कमला रो रही है। स्वामी, स्वामी छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो ना। सुनो काशी भैया, सुनते नहीं, कमला बुला रही है, जाने नहीं देते। काशी भैया छोड़ दो ना, मैं जा रहा हूँ। तुम ना जाओ, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, सुनो। कमला, कमला स्वामी, कमला, तुम आ गई कमला। सुनो स्वामी, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। सुनो मेरे स्वामी, सिर्फ एक बार कहो किसका मैं तुम्हारा हाथ। नहीं मेरे स्वामी, नहीं नहीं, अब मैं शांति से मरूंगा। नहीं नहीं, ऐसी बात मुंह से ना निकालिए स्वामी, सुनना ही पड़ेगी। तुम्ही मेरा ज्ञान हो, ज्ञान हो, चिंता हो स्वामी, और अगर ये सच है तो सुनो सुनो, दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें मुझसे छीन सकती नहीं, नहीं 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 नहीं। आई रे आई रे आई रे मेरी बगिया में फूके कोयलिया, बावरी बसंत आई रे। सूखे पेड़ों पे आ रे हरियाली, फली फूली मेरी डाली डाली। सूखे पेड़ों पे आ रे हरियाली, फली फूली मेरी डाली डाली। पाया घर भर में चैन, हसे जीवर के नैन। पाया घर भर में चैन, हसे जीवर के नैन। बाजी नस नस में, बाजी नस नस में मीठी मुरलियां, बावरी बसंत आई रे। पिया आए हैं द्वार, पिए कानों में आए हैं द्वार, घर कांधे पे काली कमलियां, घर कांधे पे काली कमलियां, बावरी बसंत आई रे। आखिरकार एक मुद्दत तक बहुत दुख उठाने के बाद फूल खिले और खूब खिले, मालूम हो रहा है आज ये उजड़ा घर फिर से आबाद हो गया, जिसकी कृपा से सब हुआ है। आओ हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें, हर मनुष्य में जो भगवान है वो मन ही मन में रो रो कर कभी मरने न पाए। मैं भी आ सकता हूँ? वो मिस्टर डटा अब मैं नहीं रहा, बदल गया हूँ, यकीन कीजिए बिल्कुल बदल गया हूँ। आप ही देखिए, काश कि मैं अपना दिल भी आपको दिखा सकता, बड़े आनंद की बात है, आप भी आइए। लेकिन काशी भैया एक साथ देखिए, ये फिर बदल ना जाए।